हेलो एवरीवन, दिस इज दीप्ति जायसवाल एंड वेलकम टू रेनबो पब्लिक स्कूल एंड माय यूट्यूब चैनल दीप्ति फिजिक्स एकेडमी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज कीवर्ड्स एंड टुडे चैप्टर्स आर यूनिट 5th एंड चैप्टर नेम इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ओके, एंड टुडेज कीवर्ड्स आर फर्स्ट इज अ सेंटर ऑफ मास एंड सेकेंड इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एंड थर्ड इज अ मोमेंट ऑफ कपल। ओके, सो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज अ सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ डेट बॉडी ए बी। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट, इज अ डेट पॉइंट वेयर where the entire mass of that body can be supposed to be concentrated. Means अगर ये हमारे पास एक बॉडी ए बी है, इसका कुछ मास है, देन एक इस बॉडी में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हम पूरी बॉडी के मास को, इंटायर बॉडी के मास को सपोज्ड करते हैं कि उस पॉइंट पर इंटायर बॉडी का मास कंसनट्रेटेड है। ओके, डैट पॉइंट इज अ सेंटर ऑफ मास ऑफ डैट बॉडी। ओके, सेंटर ऑफ मास अ पॉइंट वेयर द मास ऑफ इंटायर मास ऑफ डैट बॉडी कैन सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। ओके, जैसे एक रॉड है, हमने इसका सेंटर पॉइंट लिया, हमने सपोज किया इस सेंटर पॉइंट पे इस पूरी रॉड का मास क्या है, कंसनट्रेटेड है। सो दिस पॉइंट ओ इज अ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी ए बी। ओके, एंड सेम यदि वी हैव एन सर्कुलर रिंग, एक ये सर्कुलर रिंग है और इस सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग इज द सेंटर ऑफ मास। मीन्स अगर ये एक रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट इज अ सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से अगर हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, सो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, दैट अ सेंटर पॉइंट ऑफ दैट डिस्क इज अ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। मीन्स इस पूरी डिस्क का जो सेंटर है उस पॉइंट में हम ऐसा सपोज करेंगे कि इस पूरी डिस्क का जो इंटायर मास है इस सेंटर पे कंसनट्रेटेड है। मीन्स ये सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क। इसी तरह इस रिंग में, रिंग में भी हम क्या सपोज करते हैं कि इस पूरी रिंग का जो मास है वो इस सेंटर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। सो दिस सेंटर पॉइंट इज अ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सर्कुलर रिंग। सिमिलरली इफ वी हैव अ स्फीयर, अगर एक स्फीयर है हमारे पास, देन उसका स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा दैट इज अ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट स्फीयर। इसी तरह से, और यहाँ तो क्लियर हो गया, इसका मिड पॉइंट जो भी होगा डैट इज अ सेंटर। तो इस तरह से ये होते हैं जिस पे हम इसी तरह से अगर हम क्यूब ले लें, क्यूब तो इसका क्या होगा सेंटर, जो इसके सारे डायगोनल्स हैं जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे डैट पॉइंट इज अ सेंटर ऑफ मास ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ओके, तो क्लियर सेंटर ऑफ मास क्या है। नेक्स्ट इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। सो मोमेंट ऑफ फोर्स, सो नाउ वी डिस्कस अ डायग्राम। दिस इज अ पॉइंट O and this is a point P. Okay, this is a point P and we applied a force F on the point P. Then after applying the force F, this particle P rotating about O. Okay, suppose here the rotation axis. रोटेशन एक्सिस क्या है, कोई भी बॉडी, ये एक बॉडी है,
ये एक बॉडी है, ये रोटेशन कर रही है, अगर ये कि जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन करती है दैट इज ए रोटेशन एक्सिस। मींस अगर ये एक पेन है, ये पेन इस तरह से इसमें एक इस तरह से इसमें अटैच है और जो ये मूविंग कर सकता है, ओके देन अगर ये इस तरह से मूविंग कर रहा है, इसके राउंड इसके अबाउट रोटेशन कर रहा है, मींस ये क्या हो जाएगी, रोटेशन एक्सिस। आपने डोर्स में देखा है, डोर्स एक होते हैं, इसमें क्या रहता है, ये डोर्स है एंड ये इसमें इस तरह से हुक्स लगे होते हैं, ओके देन ये जो डोर्स हैं ये क्या मूविंग करते हैं, इस तरह से आगे पीछे होते हैं, किसके आगे पीछे हो पा रहे, किसके अबाउट ये एक्सेस कर पा रहे हैं, ये इस इनके अबाउट ये रोटेशन कर पाते हैं। सो दिस इज अ रोटेशन एक्सिस ऑफ दैट डोर, ओके। अब ये रोटेशन एक्सिस किसी भी बॉडी के जिसके जो भी बॉडी है उसके अंदर ही होती है, मींस जैसे कि एक ये अर्थ है, अर्थ हम देखते हैं वो रोटेशन करती है अपनी एक्सिस के अबाउट, वो रोटेशन करती है मींस उसके अंदर से जो एक्सिस पास हो रही है जब उसके अराउंड वो एक्सिस रोटेशन करती है, दैट इज अ रोटेशनल, दैट इज अ रोटेशन। बट सर्कुलर मोशन क्या है अर्थ की, जब ये अर्थ किसी सन के अराउंड मोशन करती है दैट इज अ सर्कुलर मोशन ऑफ द अर्थ, बट जब वो अपनी अंदर से ही पास होने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेशन करती है, घूमती है, दैट इज अ रोटेशनल मोशन ऑफ दैट अर्थ, ओके। सो हियर हम डिस्कस कर रहे थे मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट पी लिया, इस पॉइंट पी पे हमने एक फोर्स एफ अप्लाई किया और फोर्स एफ अप्लाई करने से ये बॉडी, ये पार्टिकल पी पॉइंट ओ के अबाउट रोटेशन कर रहा है, ओके। सो एंड दिस इज अ पोजिशन वैक्टर ऑफ ओ पी, आर इज अ पोजिशन वैक्टर ऑफ ओ पी। नाउ वी फाइंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे जिस डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है उसे ही हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। दिस इज अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ओके, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब इसमें हम देखेंगे ये हमारी रोटेशनल एक्सिस, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की, लाइन ऑफ एक्शन की इस पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मीन्स इस पॉइंट ओ से इस लाइन ऑफ एक्शन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस इज अ परपेंडिकुलर, ओके, दिस इज अ 90 डिग्री। नाउ वी नेम्ड हियर ओ एन पी, ओके। सो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ एंड मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम रोटेशनल पॉइंट, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इस लाइन ऑफ एक्शन, इस लाइन ऑफ एक्शन की रोटेशनल पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स, ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारी लाइन ऑफ एक्शन है ये, अब इस लाइन ऑफ एक्शन की इस रोटेशन पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ओ एन है, तो क्या हुआ मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम रोटेशनल पॉइंट। सो दिस इज द ओ एन, सो टाउ इज एफ इन टू ओ एन, ओके। सो हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ F into O N. Let this is the angle theta. ये theta angle से हमने यहाँ पे force applied किया है, so now also will be theta. This is the 90. So here sine theta in triangle P O N. Value of sine theta is a O N upon O P.
okay, and sine theta is value of OP will is R, so we write here R, so value of ON is equal to R sine theta, okay. So this is the R sine theta. Now we find moment of force, so we know that moment of force is equal to the force into perpendicular distance between for rotational point from line of action from a rotational point, so that is a ON, okay. So now we put the value of ON F, and value of ON is equal to R sine theta, so this is the F R sine theta, where R sine theta is called rotation arm, okay. So here we write here R F sine theta, this is the moment of force, and here we also write T is equal to the sine theta, means here vector product of R and F, so we write R and F. And also we write tau is equal to, we know that R sine theta is a rotational arm, so we write here force into rotation arm, okay. So value of moment of force is equal to tau is equal to RF sine theta, this is a vector quantity, okay, a vector क्वांटिटी, क्लियर. तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्या है, एंड ये कैसे आर साइन थीटा क्या है, एक्शन लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एंड लाइन ऑफ एक्शन से रोटेशनल पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ओके. सो नेक्स्ट इज अ मूमेंट ऑफ कपल, तो नेक्स्ट इज अ मोमेंट ऑफ कपल. मोमेंट ऑफ कपल क्या है, जब ये कोई बॉडी है, ओके, जब किसी बॉडी में हम एक ही टाइम पे दो अपोजिट एंड इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, मींस अगर हमने एक फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई किया और एक फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई किया, और दोनों फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है डैट इज तो वो तो जीरो होता है, बट जो इनका ये जो दो फोर्स हैं ये इसको एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करते हैं, ओके. इसको हम डायग्राम से समझेंगे. बॉडी ए बी एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ बॉडी, ओके. सो इसमें क्या है, व्हेन व्हेन टू फोर्सेस आर सिमल्टेनियसली अप्लाइड ऑन अ when two equal and opposite forces, equal and opposite forces are simultaneously applied on a body to different points, then resultant force इज जीरो, ओके. हम दो फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमने फोर्स इसमें अप्लाई किया एफ, एंड यहाँ पे भी हमने एक फोर्स अप्लाई किया
एफ, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। देन इनका रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है, बट ये दोनों फोर्स की टेंडेंसी ऐसी है कि ये इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की, सेम डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करते हैं। बट डैट बट बोथ द फोर्सेस हैव टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी ऑन सेम डायरेक्शन। ओके, तो जब एक ये बॉडी है इसमें हम टू फोर्स अप्लाइड करते हैं एक ही टाइमिंग में, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो क्या होता है इनका रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो जाता है, बट ये दोनों फोर्स की टेंडेंसी क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की कोशिश करते हैं, एक ही टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन सेम डायरेक्शन। तो ये उसको सेम डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करते हैं, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड कपल, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड कपल। ओके, सो दिस इज द मोमेंट ऑफ कपल, तो हम इन दोनों फोर्सेस को क्या बोलते हैं, कपल। सो हियर मोमेंट ऑफ कपल, द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ कपल इज आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, perpendicular distance between two forces. ओके, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल क्या है, आइदर फोर्स, यहाँ पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं जो कि अमाउंट मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो दोनों फोर्स में से कोई भी एक फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, और इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए बी हेयर। ओके, सो दिस इज द मोमेंट ऑफ कपल, सो दिस फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ कपल इज आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब इस पर देखिए ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसका हम डायमेंशनल फार्मूला एंड यूनिट फाइंड करेंगे, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल, तो यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल ये है फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है SI यूनिट हम फाइंड करेंगे, सो न्यूटन एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, डिस्टेंस है सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस विल बी मीटर, सो SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल इज न्यूटन इंटू मीटर। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स वी नो डैट MLT-2, ओके एंड AB इज अ डिस्टेंस, सो डायमेंशनल फॉर्मूला इज L, सो वी राइट हेयर MLT-2, सो MLT-2 इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ कपल। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये सेंटर ऑफ मास क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है एंड मोमेंट ऑफ कपल क्या है। ओके, सो थैंक यू।